हिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन शो देश हित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का। बिल्कुल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों के साथ। जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस ने की आरोपियों की पहचान, हिंसा में शामिल 9 लोगों की तस्वीरें और नाम जाहिर किए गए। जेएनयू हिंसा में लेफ्ट और राइट रहे 7-7 आरोपियों में 7 लेफ्ट के और 2 एबीवीपी के कार्यकर्ता। जेएनयू हिंसा पर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का लेफ्ट पर वार, जावड़ेकर ने कहा सारे चेहरे हुए बेनकाब। हिंसा रिपोर्ट पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का टुकड़े टुकड़े गैंग पर निशाना, कहा आरोपियों पर हो हर हाल में कार्रवाई। पुलिस रिपोर्ट के बाद मानव संसाधन मंत्री का बयान, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा यूनिवर्सिटी में हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं। जेएनयू हिंसा पर पुलिस की जांच पर कांग्रेस के सवाल, कहा मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध। जेएनयू के पहचाने गए आरोपियों में जी न्यूज से बदसलूकी करने वाले भी शामिल, हिंसा में शामिल पंकज मिश्रा और डोलन ने की थी संवाददाताओं से बदसलूकी। जांच रिपोर्ट के बाद जेएनयू कैंपस में एबीवीपी का प्रदर्शन, रजिस्ट्रेशन रोकने वालों के विरोध में जुटे कार्यकर्ता। जेएनयू जाने पर दीपिका पादुकोण से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सवाल, भारत के टुकड़े करने वालों के साथ क्यों खड़ी हो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारत में जिन्ना वाली आजादी के नारे, बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा ने शेयर किया वीडियो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने किया वाराणसी का दौरा, नागरिकता कानून के विरोध में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। नई फेंसिंग के जरिए और सुरक्षित होगी भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा, बीएसएफ लगा रही है एंटी कट फेंसिंग। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी मामले में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक जवान समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 ड्रोन भी बरामद। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर सरकार को 1 हफ्ते में समीक्षा करने का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को इंटरनेट की आजादी का भी है अधिकार। कश्मीर से इस्लामिक आतंकवाद हटाने के लिए जम्मू में लगे पोस्टर, कश्मीर पंडितों का अभियान। जम्मू कश्मीर में 300 आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई, खुफिया सूत्रों को मिली लॉन्चिंग पैड्स की जानकारी। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, केंद्र सरकार को जारी किया गया नोटिस। आईसीआईसी बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के घर समेत करोड़ों की संपत्ति अटैच। देश के कई इलाकों में अब भी जारी है बर्फबारी, टूटा 25 साल का रिकॉर्ड, पर्यटकों में खुशी की लहर। विमान हादसे की जांच के लिए ईरान ने बुलाया एक्सपर्ट, क्रैश हुआ था बोइंग 737, ईरान पर लग रहे हैं आरोप। पहले 5 वो सवाल जिनके इर्द गिर्द रहेगा हमारा आज का देश है, और पहला सवाल यही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को क्या जिन्ना वाली आजादी चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाए गए शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि लोगों के लिए क्या जिन्ना हीरो है। छात्रों के आंदोलन में जिन्ना वाले जिनकी एंट्री, कैसे, क्यों, कब, क्या तारीख, कहां पर प्रदर्शन और इस पर कैसे सियासत छिड़ गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे देश में आगे। कश्मीर में चैन है लेकिन कांग्रेस जो है परेशान है, और कश्मीर पर जो कांग्रेस की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है उनका जो अर्ध सत्य है वो आखिरकार कब तक देखने को मिलेगा। और LOC पर घुसपैठ की बड़ी साजिश, क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या है साजिश, देखिएगा जरूर आगे देश में। और यूक्रेन का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे का शिकार हुआ, वो वाकई एक हादसा था या फिर ईरानी मिसाइल का निशाना बना यूक्रेन का विमान, ये बड़ा सवाल। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की जिन्ना वाली साजिश। देश हित में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि नागरिकता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन में जिन्ना वाली आजादी के नारे क्यों लगे। देश को बांटने वाली जिन्ना की जहरीली सोच को नारा क्यों बनाया गया। I think that anybody who has read the news
where you're going to stand. Knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India. सिर्फ उनको कहा जा रहा है नारे लगाओ और आंदोलन करो। In a democratic country, people will debate, discuss, and may also infer that was it right or was it wrong to stand with the tukde tukde gang. जेएनयू का सारा मसला तो भारत सरकार ने बिगाड़ा है, आपने जेएनयू नहीं तमाम यूनिवर्सिटियों का। तो जिन्ना वाली आजादी के नारे आपने सुने, वैसे आपको बता दें जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रहा है, लेकिन जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन 30 सेकंड में आप ये खबर समझिए, टुकड़े टुकड़े गैंग की ये जिन्ना वाली साजिश कितनी विषैली है। दिल्ली के शाहीन बाग के प्रदर्शन में जिन्ना वाली आजादी के नारे लगे और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है। और आपको बता दें स्मृति ईरानी की तरफ से भी सवाल पूछा गया दीपिका पादुकोण से कि वो बताएं कि वो देश के टुकड़े होंगे कि नारेबाजी करने वालों के क्या साथ हैं। स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा। इसके अलावा लड़के छात्रों को नारेबाजी और आंदोलन के लिए कहा जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। और दिल्ली पुलिस का जेएनयू नकाबपोश हिंसा पर बड़ा खुलासा, 9 लोगों की पहचान कर दी गई है। हिंसा करने वालों में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया। बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली पुलिस की तरफ से बेनकाब कर दिया गया है नकाबपोशों को। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्राइम ब्रांच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बकायदा 9 छात्रों के सबूतों के साथ नाम बताए गए, 9 में से 7 लेफ्ट, 2 एबीवीपी के। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अब तक अपने हाथ लगे अहम सुरागों की जानकारी दी। जांच कर रही एसआईटी के हेड जॉय तिर्की ने बताया कि हिंसा में शामिल 9 छात्रों की पहचान कर ली गई है। इसमें जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट आयशी घोष भी शामिल हैं। चिन्हित छात्रों को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विवाद के केंद्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था जिसका लेफ्ट से जुड़े छात्र विरोध कर रहे। पुलिस ने 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए सर्वर को नुकसान पहुंचाने से लेकर पेरियार और साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा तक की घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा भी दिया। जेएनयू नकाबपोश हिंसा पर बड़ा खुलासा। जेएनयू का घमासान, हो गई चेहरों की पहचान। जेएनयू में दहशत करने वालों को पहचानिए। इन चेहरों को देखिए और पहचानिए, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने जेएनयू में ताबड़तोड़ मारपीट की थी और दहशत फैलाई थी। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष, चुनचुन कुमार लेफ्ट समर्थक, पंकज मिश्रा लेफ्ट समर्थक, विजय भास्कर लेफ्ट समर्थक, सुचेता तालुकदार लेफ्ट समर्थक, प्रियरंजन लेफ्ट समर्थक, डोनल्ड सामंता लेफ्ट समर्थक, विकास पटेल एबीवीपी, योगेंद्र भारद्वाज एबीवीपी, SFI, ISA, AISF, DSF ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 3 जनवरी को स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के मेंबर्स सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रोकने के लिए जबरदस्ती सर्वर रूम में घुसे और कर्मचारियों को बाहर निकाले। इसके बाद सर्वर को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सर्वर को किसी तरह से ठीक किया गया। 4 जनवरी को फिर उन्होंने सर्वर ठप करने की कोशिश की। वहीं जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने हमलावरों की लिस्ट में नाम आने पर कहा है कि उनके पास भी खुद पर हुए हमले के सबूत हैं।
मेरे पास भी मेरे एविडेंसेस है कि किस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुई है और सिर्फ फोटोग्राफ आ जाने से किसी का कोई सस्पेक्ट नहीं हो गया, सिर्फ फोटोग्राफ आ जाने से कोई सस्पेक्ट नहीं हो गया, सस्पेक्ट नहीं होता है कि एक साजिश के तहत सीसीटीवी बंद किए गए और हिंसा को छिपाने के लिए ऐसा किया गया। सारे सीसीटीवी डिसेबल करना क्योंकि बाहर से लोग आएंगे मारपीट करेंगे, जो उन्होंने बताया पेरियार हॉस्टल में चुन-चुन के लोगों को मारा गया, तो ये जो हुआ है ये बहुत ही गंभीर है। जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो तारीख 12 तारीख तक बढ़ाई गई थी उसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कल डीन्स और चेयरपर्सन ने रिपोर्ट दिया कि सभी स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन एट ए रैपिड पेस, और अब हम रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया 12 जनवरी तक। 12 जनवरी के बाद भी कुछ लोग घर से वापस आए तो हम इनको भी मौका देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जेएनयू हिंसा में जिनकी पहचान हुई है उनमें ज्यादातर लेफ्ट समर्थक छात्र ही हैं, जबकि लेफ्ट हिंसा वाले दिन से ही सिर्फ विरोधी खेमे पर हिंसा का आरोप लगा रहा है। देश हित मानता है कि जेएनयू हिंसा के आरोपियों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाए, जेएनयू हिंसा के आरोपियों को कानून के मुताबिक जल्द से जल्द सजा मिले, जेएनयू में जल्द से जल्द पढ़ाई का माहौल बने और अराजकता का माहौल बनाने वालों को यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए। जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 9 की पहचान कर ली गई है, 7 इसमें लेफ्ट से जुड़े हैं और 2 एबीवीपी से। और जेएनयू के इस पूरे मामले पर जी न्यूज ने देश के कानून मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। पहले टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं जेएनयू में, फिर नकाब पोष पहन के हमला किया जाता है, दिल्ली पुलिस ने फाइंडिंग करके सच को उजागर कर दिया है। आपको लग रहा है कि जो एक विद्यालय विश्वविद्यालय एक शिक्षा का उच्च स्तर प्रस्तुत करता था, आज टुकड़े टुकड़े और नकाबपोश। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस के अनुसंधान पर कुछ नहीं कहूँगा, अनुसंधान चल रहा है, लेकिन दो बातें सामने आई। ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते थे, अपने को विंटर सेमेस्टर में रजिस्टर करना चाहते थे, और कुछ हमारे वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग उसको रोकना चाह रहे थे, और जब उन सफल नहीं हुए तो उन्होंने आपके सर्वर को भी तोड़ दिया, एक बार नहीं दो बार तोड़ दिया। क्या मतलब है इसका, ये क्यों होना चाहिए? हिंसा भी की, हिंसा कोई करे गलत है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े नारा लगता है ना, आज़ादी आज़ादी, किससे आज़ादी ये कौन सा ना, तो एक तरफ टुकड़े टुकड़े और एक तरफ आज़ादी। और बड़े बड़े नेता जो चुनाव में हार जाते हैं, जिनकी पार्टी 1 और 2-3 लोकसभा में रह जाती है, वो भी खड़े हैं। आज मैं उनसे सवाल पूछता हूं, इन कमेंट पर आपका क्या कहना है, सर्वर तोड़ने पर आपका क्या कहना है, इसका जवाब भी होना चाहिए। और जहां तक हिंसा का सवाल है, ये जेएनयू की परंपरा का आज मैं आगाह करना चाहता हूं। वहां एक से एक आईएएस अफसर निकले हैं, एक से एक आईएफएस, भारत के एम्बेसडर्स, बड़े बड़े पत्रकार संपादक, बड़े बड़े नेता निकले हैं, वो आवाज खामोश क्यों है? क्या जेएनयू ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का चेहरा अब खाली हिंसा के रूप में देखा जाएगा और राजनीति की रोटी सेकने के लिए उपयोग किया जाएगा? ये गलत है। तो नकाबपोशों पर से बेनकाब होने के बाद जो लोग साथ में खड़े थे, अब वो क्यों खामोश है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं, वो सुनना आपके लिए जरूर। दिल्ली पुलिस ने सब कुछ, जो आप कहते थे जो नकाब पहन के आए हैं सब बेनकाब हो जाएंगे, शुरुआत हो गई। आज उन्होंने पुलिस ने प्रमाण दिखाए, कैसी जांच चल रही है ये बताया, और ऐसा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जेएनएसयू जवा स्टूडेंट्स यूनियन और उन सब के पदाधिकारी कैसे 1 तारीख से यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काम में और रजिस्ट्रेशन में बाधा ला रहे थे, किस तरह से उन्होंने सर्वर को 2 बार डैमेज किया, एक बार डैमेज किया वो रात में रिपेयर हुआ और दूसरा डैमेज किया वो बहुत ही ख़राब हुआ, और उसमें तो एक साजिश मुझे लगी कि सारे सीसीटीवी डिसेबल करना क्योंकि बाहर से लोग आएंगे मारपीट करेंगे, जो उन्होंने बताया पेरियार हॉस्टल में चुन-चुन के लोगों को मारा गया, तो ये जो हुआ है ये बहुत ही गंभीर है, और मुझे विश्वास है कि आप उनको जांच के लिए बुलाएंगे, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आज बेनकाब हो गए कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है और जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है
और ये सब लोग इसमें दोषी है। इन्होंने जानबूझकर हिंसा का माहौल तैयार किया, हिंसा की, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। पुलिस जांच होती रहेगी और उससे सच्चाई और बाहर आएगी। देश तो यही कहता है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, चाहे नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन हो या फिर जेएनयू हिंसा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन हो, हर जगह अब देश को तोड़ने वाली, देश को बांटने वाली साजिशें दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले तीन दिन से हमने लगातार आपको दिखाया कि कैसे जेएनयू के हिंसा के समर्थन में अचानक से फ्री कश्मीर के पोस्टर आ जाते हैं, फ्री कश्मीर वाला वायरस आ जाता है। तो अब आजादी आजादी के नारों में कैसे जिन्ना वाला वायरस आ गया, जिन्ना वाली आजादी का नारा लग गया आंदोलन के दौरान। पर आज इन जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या जिन्ना इस देश का हीरो था? जाहिर है नहीं था। जिन्ना की वजह से ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ, ये देश बट गया, लाखों लोग मारे गए, नरसंहार हुआ। तो क्यों जिन्ना की जहरीली सोच को प्रदर्शनों में लाया जा रहा है? बहुत वाजिब सवाल है। जो भीड़ जिन्ना वाली आजादी के नारे लगा रही है, ये दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन में लगी भीड़ है। पिछले कई दिनों से यहाँ नागरिकता कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन नारे लगाने वालों की भीड़ से कोई पूछे कि ढपली, तालियों और संगीत मंडली मिलकर क्या किसी के भी नाम पर नारेबाजी करके उसे महान बनाने में जुट जाएंगे? क्या ये लोग जानते नहीं है कि जिन्ना कौन था? क्या ये लोग जानते नहीं है कि जिन्ना ने क्या किया था? अगर नहीं जानते तो आज देशहित में फिर समझ ले कि जिन्ना बंटवारे का सबसे बड़ा खलनायक था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विरोध किया था, बंटवारे के लिए धर्म को आधार बनाया, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे की अपील से हिंसा हुई थी, बंगाल में हजारों हिंदुओं की हत्या की गई थी, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी, जिन्ना की वजह से देश का बंटवारा हुआ था, देश के बंटवारे के दौरान लाखों लोगों की मौत हुई थी, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति की, सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग बनाई, जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है सर? मैं तो ये ठीक है, शोएब जमाई, ये जिन्ना वाली आजादी क्या होती है? आपको जिन्ना वाली आजादी चाहिए क्या? शाहीन बाग दुख हुआ ये मुझे देखकर। शोएब जमाई, जिन्ना वाली आजादी चाहिए क्या आपको? इसी तरह देश विरोधी नारेबाजी जेएनयू भी देखता रहा है, चाहे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे हो या फिर आतंकियों के समर्थन में लगाए गए नारे हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उसी जेएनयू के समर्थन में खड़ी होने वाली दीपिका पादुकोण से सवाल पूछा कि वो बताएं कि वो किस विचारधारा के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने पलटवार किया, ये सरकार की हमेशा ये नीति रही है कि बाहर के लोगों को खुश रखो चाहे अपने लोगों को पीड़ित रखो। देशहित मानता है कि इस देश में ना तो जिन्ना की कोई जगह है और ना ही जिन्ना की बंटवारा पॉलिटिक्स को महान बनाने की इजाजत किसी को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जेएनयू कैंपस इन दिनों आप देख रहे हैं किस तरह से लेफ्ट और राइट में बट गया है। वैसे आपको बता दें कि लेफ्ट का कब्जा वहां पर हमेशा से रहा है, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है हमेशा से हावी रही है जेएनयू पर, उसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, 45 वर्षों के इतिहास में सिर्फ दो बार वहां पर जो गैर लेफ्ट उम्मीदवार हैं वो जीते। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष में जेएनयू में बांटे गए पर्चों में विरोध शब्द जो है वो सबसे ज्यादा बार लिखा गया, सबसे ज्यादा बार विरोध शब्द लिखा गया जितने भी पर्चे बांटे गए। और जो सबसे ज्यादा, जो दूसरा हम कहें चर्चित शब्द वहां पर रहा है वो है संघर्ष। संघर्ष शब्द का जो है इस्तेमाल बहुत ज्यादा, 56% छात्र
कट्टरता को जीवन का हिस्सा मानते हैं वहां पर, कट्टरता को जीवन का हिस्सा मानते हैं 56% जो छात्र हैं, ये उनका माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस उस तरह का है। जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र खुद को राजनीति से दूर नहीं रख पाते हैं, 3 साल जेएनयू में गुजरने वाले 74% जो छात्र हैं वो राजनीतिक विचारधारा से जुड़ जाते हैं। तो अब हुआ यह है कि जेएनयू पर बॉलीवुड भी अपट गया है, जहां दीपिका पादुकोण जेएनयू के समर्थन में पहुंची तो अब दीपिका की फिल्म को प्रमोट करने के लिए राजनीतिक दलों ने अब अपना मिशन बना लिया। आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में और कांग्रेस ने दिल्ली में दीपिका की नई फिल्म के फ्री शो लोगों को दिखाए हैं। जेएनयू पर बट गया बॉलीवुड, जेएनयू पर बट गई सियासत, दीपिका पादुकोण जेएनयू के छात्रों के समर्थन में पहुंची तो सियासी घमासान शुरू हो गया। फिल्म के रिलीज पर दीपिका सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी फिल्म पर सियासत चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छपाक फिल्म दिखाएगी, इसके लिए लखनऊ में एक हॉल बुक किया गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छपाक फिल्म दिखाई गई। वहीं इंदौर में बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने फिल्म को बैन करने की मांग की। तो देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने दीपिका की फिल्म को लेकर कमान संभाली। दिल्ली के डिलाइट सिनेमा हॉल में दोपहर 2:45 का शो मुफ्त में दिखाया गया। दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ये शो आयोजित किया था। लोगों ने आज डिलाइट सिनेमा हॉल में छपाक मूवी का हॉल बुक किया। 1000 की सिटिंग है और हम सब लोगों ने, शिवानी, मैंने और बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट करके ये हॉल बुक किया है। और आप देख रहे जाकिर हुसैन कॉलेज के स्टूडेंट्स लाइन में है। प्रायोरिटी जाकिर हुसैन और दिल्ली विश्वविद्यालय जामिया और जेएनयू जो भी छात्र हैं उन्हें दी जा रही है। और उसके बाद अगर लगेगा कुछ सीटें हैं तो हम लोग जो स्थानीय लोग भी हैं जो इस मूवी को देखना चाहते हैं हम उन्हें भी मौका दे रहे हैं। विवादों और फिल्म रिलीज का पुराना इतिहास रहा है। दीपिका की फिल्म पद्मावत को लेकर भी बहुत हंगामा हुआ था और फिल्म को फायदा हुआ था। अब इस नई रिलीज के साथ दीपिका ने जेएनयू जाकर एक मुद्दे पर समर्थन दिया है या अपनी फिल्म का प्रमोशन किया था, ये आप तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए मध्य प्रदेश के रतलाम की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नागरिकता कानून के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था और देखिए किस तरीके से एक एम्बुलेंस को वहां पर रास्ता दिया गया। देखिए ऐसा होना चाहिए, ट्रैफिक रोकने वाला और लोगों को परेशान करने वाला प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में देख रहे हैं जगह जगह रास्ते बंद कर रखे हैं, कालिंदी कुंज वाला रास्ता बंद है प्रदर्शन के नाम पर, शाहीनबाग में जो प्रदर्शन चल रहा पूरा ओखला उस साइड पूरा बंद पड़ा। यहाँ देखिए यहाँ प्रदर्शन हो रहा था समर्थन में, एम्बुलेंस से पूरा रास्ता दिया गया, दिक्कत ना हो किसी। और अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर फैसला दे दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट को सरकार ऐसे अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकती। इसी के साथ ही प्रशासन से पाबंदी लगाने वाले सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने के लिए भी कहा गया। गर फिर दोस्त पर रूए जमीन अस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस तो हमी अस तो मेरी जान रूह दिल से वापस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस तो। कश्मीर पर दुनिया साथ, विपक्ष क्यों खिलाफ? कश्मीर शांत है इसलिए विपक्ष अशांत है। कश्मीर के हालात पर विदेशी प्रतिनिधियों ने घाटी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, भारतीय सेना से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली, कश्मीरी पंडितों से मिले विदेशी प्रतिनिधि, श्रीनगर में स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की, स्थानीय नेताओं से राजनीतिक हालात पर बात की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर 15 देशों के राजनयिक शामिल हैं। उनकी पहचान खत्म करने के लिए,
उनकी हिस्ट्री खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर का पर्यटन खत्म करने के लिए, जो इकोनॉमी है उसको खत्म करने के लिए ये केंद्रीय सरकार ने एक स्कीम बनाई और उसको अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ पर आवाजाही रुकी हुई है, कहाँ पर दिक्कत है, कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है, कांग्रेस के नजर में तनाव दिखता है। बीजेपी ने कहा कि कश्मीर में अब देशहित की नई क्रांति हो रही है, तो कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ विदेशियों को खुश रखना चाहती है। ये सरकार की हमेशा ये नीति रही है कि बाहर के लोगों को खुश रखो, चाहे अपने लोगों को पीड़ित रखो। मतलब कि मैं तो जा नहीं सकता, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियंस नहीं जा सकते। नया एक रेवोल्यूशन वहां पर आने वाला है जो देशहित में होगा, जो चाहता है कि सब कुछ कश्मीर घाटी में अमन चैन आए, तो मुझे लगता है कि इन लोगों की बातचीत को समझना होगा। देशहित ये कहता है कि कश्मीर अब चैन और अमन की तरफ लौट रहा है और दुनिया भी बदलाव की इस क्रांति की गवाही बन रही है, तो विपक्ष को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सईद अकबरुद्दीन ने एक खुली बैठक में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर जो झूठ फैला रहे हैं उसे कोई मानने वाला नहीं। My simple response to that delegation, the delegation of Pakistan, is even though it is late, neighbor, heal thyself of your malaise. There are no takers here for your malware. पर अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, देश की सीमाओं पर अब एडवांस फेंसिंग का पहरा होगा, क्योंकि भारत सरकार सीमा सुरक्षा दुरुस्त करने जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ये नई फेंसिंग की जा रही है जिसे काटना बेहद मुश्किल। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, सीमा पर लगाई गई एंटी कट फेंसिंग काटा नहीं जा सकता, यानी कि अब बांग्लादेश की सीमा से देश में घुसपैठ नहीं हो पाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिलचर सेक्टर के लाठी टीला के पास बांग्लादेश बॉर्डर पर 7 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाई जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 14.30 करोड़ रुपए है। यानी कि 1 किलोमीटर एंटीकट फेंसिंग की औसत कीमत होगी करीब 1.99 करोड़ रुपए। भारत बांग्लादेश की सीमा पर नई फेंसिंग लगाने का काम लगातार जारी है। देश की हर सीमा पर अब यही फेंसिंग लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी यही एंटीकट फेंसिंग होगी। और अब बात आधे हिंदुस्तान पर आई व्हाइट इमरजेंसी की करेंगे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फ पड़ रही है। उत्तराखंड के औली में 7 फुट तक बर्फबारी हुई है, तस्वीरें देखिए। नैनीताल में भी जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तो एलांच की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। उत्तराखंड के कई जिलों का इस वक्त हाल यही है। दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी और कुछ नहीं। पेड़, सड़क, मकान, दुकान सब बर्फ से लदे पड़े हैं। चमोली जिले के औली में 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है। औली एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो लोग यहां पहुंच रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स का जमकर मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बर्फ देख रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और चारों तरफ बर्फबारी और हर रोज होती बर्फबारी के बीच मस्ती करते लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे। ये लोग नैनीताल में हफ्ते भर पहले आए होते तो ऐसी बर्फबारी उन्हें देखने को नहीं मिलती, लेकिन बीते 3 दिनों से होती बर्फबारी ने सैलानियों के दिल की मुराद पूरी कर दी है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में होती बर्फबारी से कई लोग खुश हैं, तो कई लोगों की परेशानी काफी बढ़ी हुई है। अल्मोड़ा के लमगड़ा, जागेश्वर, सल्ट, विंसर, रानीखेत, चौबटिया में इस बार सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पहाड़ चारों तरफ से बर्फ की आगोश में है, जिससे ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा पत्ती समेत आग जलाने की लकड़ियों तक के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरों को गौर से देखिए। ये रिहायशी इलाका है, लेकिन लोगों की चहल पहल यहाँ भी देखने को नहीं मिल रही है। न स्थानीय निवासी है और न ही सैलानी है। कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बर्फ की सफेद चादर है, जो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, और लोगों को फिलहाल किसी तरह की राहत इस बर्फबारी से नहीं है।
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन मनाली में सैलानियों की परेशानी नहीं थमी। जो लोग मनाली मस्ती करने के लिए आए थे, उन्हें अब शहर से बाहर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मनाली की सड़कों से बर्फ की परत धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अगले एक दो दिन में एवलांच की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।